सभी बहनों को फूल जोहार। क्रांतिकारी जोहार, आप सबको मैं सलाम करती हूँ आपको कि जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं। मेरा जो सब्जेक्ट दिया गया, मैं अपना परिचय देती हूँ, राजस्थान से हूँ, डॉक्टर नीना नीना मेरा नाम है और अभी जो दूसरा सत्र है उसका विषय है कल्चर कस्टम एंड लैंग्वेज। कल्चर कस्टम एंड लैंग्वेज क्यों ये विषय रखा गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कोई सरकारें नहीं करती आपके सामने। इसी में आपकी पहचान छुपी हुई है, इसी में आपकी पहचान उभरती है। इसीलिए ना तो आपके कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, ना आपके कस्टम को बढ़ावा दिया जाता है, ना आपकी मातृभाषाओं को आगे बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी है, हम इंडिजीनियस है, हम एनिमिस्ट है, हम ट्राइबल है, हमारी अलग पहचान है। भारत में बहुत सारे धर्म संप्रदाय है, उन सबसे अलग पहचान है आदिवासियों की, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या मतलब अपने आप को आदिवासी मानते हैं। हिंदू में इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास ट्राइबल फॉर्म नहीं है, हम अधिकतर लोग उसी में टिक करते हैं। आपके पास जो भी फॉर्म आता है स्कूल कॉलेज का या सर्विस का या किसी भी तरह का जमीन जायदाद का, जो भी फॉर्म आता है उसमें रिलीजन का जो बोर्ड होता है, कॉलम होता है, हर कोई उसमें भरने के लिए मजबूर है। और हमारी भाषाओं का तो जिक्र कहीं होता ही नहीं है। मैं बताना चाहूंगी, समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं। 90 देशों में आदिवासी रहते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, 5000 समुदाय है, हमारे समाज है, कबीले हैं, जिनकी 7000 भाषाएं और बोलियां हैं। हम आदिवासी समाज इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं और ये 30वां विश्व आदिवासी दिवस होगा। 2019 में यूनेस्को ने, यूएनओ ने आदिवासी भाषाओं को संरक्षण देने के लिए उनका जो मौखिक ज्ञान परंपरा है, उनकी जो वास्तविक जीवन रेखा है या संसार का जो वास्तविक ज्ञान भंडार है, उसको संकलित करने के लिए आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में 2019 को मनाया था। लेकिन कितने लोगों को पता है, कितनी सरकारों ने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं? नहीं किए ना। अभी 2022 में 9 अगस्त 2022 में 28वां विश्व आदिवासी दिवस हम संसार भर में मना चुके हैं। उसकी थीम थी परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। सोचिए ये थीम क्यों दी गई है हम आदिवासी महिलाओं? क्योंकि आदिवासी महिलाएं वो है जो सुख में, दुख में, हास में, परिहास में, जंगल में, पहाड़ में, नदियों में, दरों में, घाटियों में, सुख में, अभाव में, हर तरीके का जीवन जीते हुए अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी भाषाओं, अपने इतिहास और अपने जो जीवन मूल्य है उन सबको सहेजती लाई है। हमारा अस्तित्व आज का अस्तित्व नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुराना अस्तित्व है। इंडिया का नाम इंडिजीनियस लोगों की धरती के नाम से रखा गया, इसलिए इसको इंडिया कहा जाता है। और ये नामकरण क्यों किया जा रहा है? नामकरण इसलिए किया जा रहा है
बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी, 5 मिनट हो चुके हैं। हम सब आपको बहुत ज्यादा सुनने के इच्छुक हैं, लेकिन बाकी साथी वंचित हो जाएंगे उससे। जी और एक मिनट और लेना चाहूंगी मैं। मेरा जो विषय है, मैं कहना चाहूंगी आप सबसे, अपील करना चाहूंगी, आप अपने अपनी मातृभाषा में बोलने में लिखना शुरू कर दीजिए, गाते हैं तो गाना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों की पहचान आप स्थापित कर पाए। हमारी धन्यवाद। संविधान की 8वीं अनुसूची में आगे